मुझको बता दे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी टेक बब्लू इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का लाइरी के स्टेटस वीडियो अपने फोटो के साथ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपके मोबाइल में काइनमेस्ट ड्राइव होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमेस्ट ड्राइव को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, काइनमेस्ट ड्राइव ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपके मोबाइल में। यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड मीडिया के ऑप्शन में जाना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड। आप भी कुछ इसी तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको फोटो पर क्लिक करना है और कैंची के बगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से इसमें एडजस्ट कर देना है फ्रेंड। तो इसको थोड़ा नीचे करके एडजस्ट कर देते हैं फ्रेंड, कुछ इसी तरह से एडजस्ट कर दीजिएगा फ्रेंड, और थोड़ा इधर कर दीजिएगा फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से बराबर के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना फ्रेंड। इस फोटो को भी उसी तरह से आपको एडजस्ट कर देना फ्रेंड। तो ये एडजस्ट है तो इसको इस तरह से कर देते हैं फ्रेंड। और यहाँ से बराबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है। और इसको भी कुछ उसी तरह से आपको एडजस्ट कर देना फ्रेंड। तो इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपको ओके कर देना फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड आपको फोटो पे क्लिक करना है और इसको 3 या 4 भागों में कट कर देना फ्रेंड। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड। और इसको भी यहाँ पे क्लिक कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना। फिर इसको भी उसी तरह से आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से कट कर देना फ्रेंड। और यहाँ से कट कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड ओके कर देना है। और एक और फोटो बचा हुआ है फ्रेंड, तो इसको भी कुछ उसी तरह से कट कर देते हैं फ्रेंड कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके और इस यहाँ पे क्लिक कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड इसको छोटा कर देना है कुछ इस तरह से। और इसको भी उसी तरह से आपको छोटा कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको इसको भी उसी तरह से आपको छोटा कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। सारे फोटो को इसी तरह से फ्रेंड आपको छोटा कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड उसके बाद में आपको आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें इफेक्ट लगा लेना है कुछ इस तरह से फ्रेंड। तो इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर दें। और उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से दूसरे नंबर आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसमें भी दूसरा लगाना है। तो यहाँ से दूसरे नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड और यहाँ से ओके कर देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड फिर से आपको 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड ओके कर दें। सारे आई वाले ऑप्शन में आपको इसी तरह से लगा लेना है फ्रेंड। और फ्रेंड उसके बाद में आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में और यहाँ से आपको लाइरिक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। तो इसको जूम करके हम बड़ा कर देते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड आपको आ जाना है नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है और आपको आ जाना है यहाँ पर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है फ्रेंड। तो यहाँ से हम आ जाते हैं कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन में और इसका लाइट कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं। और फ्रेंड फिर से आपको जाना लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में और यहाँ से आपको बॉर्डर वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए फ्रेंड और इसको कुछ इस तरह से घुमा कर इसमें एडजस्ट करना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं फ्रेंड, तो जूम करके एडजस्ट कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में और ब्लेंडिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। और फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड। इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड यहाँ से क्वालिटी को कुछ इस तरह से चेंज कर लेना है और नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड हमारा वीडियो सेव होने लगा। और फ्रेंड इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज को जरूरत है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।